हेलो गाइस, आज के वीडियो में आज आप लोग बहुत एंजॉय करोगे और बहुत अच्छी चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एक रहस्यमय मंदिर है हमारे यहाँ जो दुर्गा जी का है। बहुत प्राचीन मंदिर है वहाँ, जो मतलब अब मैं नहीं बता रही हूँ कुछ भी। आप लोग तो वीडियो के थ्रू जाइए, वीडियो देखोगे तो आप लोगों को मजा आएगा सब कुछ, क्योंकि मैं ही अपने मुंह से आप बता दूंगी तो फिर आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखोगे, है ना। तो प्लीज जाके पूरा वीडियो देखिए। और अभी दुर्गा जी का टाइम चल रहा है तो उस मंदिर के जरूर दर्शन करना। बहुत सिद्ध मंदिर है और बहुत मतलब पुराना और नेचुरल मूर्तियां हैं वहां पे, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, जो अपने आप ही जमीन से निकली है बरसों पहले। तो वो मंदिर आप लोग जरूर देखना और पूरा वीडियो देखना और कमेंट जरूर करना। जय माता दी। हेलो गाइस, आज हम लोग आए हैं चिरौल वाली माता। ये हमारे विदिशा से थोड़ा सा दूर है। ये मिष्टी देखो, प्रसाद लेके जा रही हूँ, वो राधिका आगे आगे जा रही है। एक्चुअली हम लोग हलवा बना के लाए हैं और यहाँ पे सब कन्याओं को बांटेंगे, है ना। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये नदी किनारे है और बहुत पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। थोड़ा सा दूर है विदिशा से, तो हम लोग अपनी गाड़ी से आए हुए हैं यहाँ पर। आज तो माता जी भी आई थी दर्शन करने। हाँ, अभी आई थी ना। हाँ, ये मंदिर लगभग 150 साल पुरानी प्रतिमाएं हैं, जो पहले वैष्णवगढ़ था, या खुदाई में अपने आप ऊपर आई थी। और फिर यहाँ पर बहुत झाड़ झंकार थे, श्री ईश्वरानंद ब्रह्मचारी जी ने आकर के साफ़ सफाई की, भक्तों को जोड़ा, धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हुआ, उन्होंने बड़ी तपस्या की और इसके बाद स्थान को जागृत चैतन्य किया। फिर उन्होंने ही पहली मड़िया बनवाई है। इसके अच्छा। बाद आते रहे, खूब पूजा पाठ हुआ, हवन शुरू हो गया और लगभग 60-70 साल से यहाँ सचंड यज्ञ होता है। ये मंदिर जो भव्य बना है, तीसरी बार में जा करके बना है और ये विदिशा के समस्त भक्तजनों का परम आस्था का केंद्र है। मैं ऐसा मानता हूँ कि विदिशा में कम से कम 90% लोग एक दिन जरूर नवरात्रि में आकर के दर्शन करते हैं। ये सिद्ध स्थान है और इसका कारण ये भी है कि यहाँ तपस्वियों ने बड़ी तपस्या की है और त्रिवेणी का संगम है। स्थान की महत्ता बहुत है, यहाँ कोई भी अनुष्ठान किया जाए, पूजा पाठ किया जाए, मन्नत कामना की जाए तो माँ भगवती गणेश जी के साथ बैठकर पूरी करते हैं। और ये मेरे ख्याल से गौरी गणेश का समकक्ष प्रतिमाओं का अद्वितीय मंदिर है, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। ये सबसे बड़ी विशेषता है। जय गौरी गणेश भगवान की जय। हेलो गाइस, आज हम चिरौल वाली माता आए हैं और आज का ब्लॉग मैं यहीं शूट कर रही हूँ। देखिए ये मिस्ट्री और यह बहुत अच्छा है, बहुत मोर वगैरह, बहुत पुराना मंदिर है जैसा भी पंडित जी ने बताया। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, मतलब बहुत सिद्ध स्थान है, इसलिए मैंने जूम करके फोटो भी डाल दी उनका। वीडियो में आप लोग भी दर्शन कर सकते हो उनका, गणेश गौरी का, क्योंकि साथ में ये प्रतिमा है यहाँ पे गणेश गौरी की। तो बहुत अच्छा मंदिर है, सिद्ध मंदिर है। क्या विश बोली मिष्टी ने? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, विश पूरी नहीं होगी। अच्छा, विश पूरी नहीं होगी। ओके, पटा दी।
खींचो भगवान कहाँ तो गाइस, ये दुर्गा नगर का मंदिर है हमारे दुर्गा जी का। ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत अच्छा है। यहाँ भी हम लोग दर्शन करने आए, हालांकि बहुत डिस्टेंस था और बहुत भीड़ है यहाँ पर। तो